तो वेलकम बैक, नितिन की पाठशाला में फिर से स्वागत है। इस सेकंड सिलेबस की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वैन डेर वाल फोर्सेस क्या होती हैं इसके बारे में, और साथ ही डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। सिलेबस में यदि मैं आपको फिर से दिखाऊँ, यह आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में लोकलाइज डिलोकलाइज बॉन्ड ये हम कवर अप कर चुके हैं। वैन डेर वाल फोर्सेस और इंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए, वैन डेर वाल इंटरैक्शंस क्या है, वैन डेर वाल फोर्सेस कह सकते हैं जिन्हें। वैन डेर वाल फोर्सेस वाज नेम्ड आफ्टर द डच फिजिस्ट वैन डेर वाल, वेयर इट इज़ अ डिस्टेंस डिपेंडेंट इंट्रैक्शंस बिटवीन द एटम्स ऑफ मोलिक्यूल्स। एटम्स ऑफ मोलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस डिपेंडेंट जो भी इंट्रैक्शंस है, अट्रैक्शंस है, उनको हम कहते हैं वैन डेर वाल फोर्सेस, राइट। सो टू नोटेबल पॉइंट्स है। फर्स्ट वन इज द दिस वर्ड, दैट इज द डिस्टेंस डिपेंडेंट, यानी कि अट्रैक्शंस आपकी स्ट्रॉन्ग होगी वीक होगी, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ द मोलिक्यूल्स। सेकेंड इज द, वी हैव यूज बोथ वर्ड्स, एटम्स और मोलिक्यूल्स। एटम्स कैसे, जो आपकी एग्जाम्पल के लिए, लेट सपोज आपके पास हीलियम है, हीलियम गैस के, क्योंकि आपको पता है हीलियम गैस मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं, एटम्स की फॉर्म में होते हैं, नॉन इंट्रैक्टिव है। सो हीलियम के एटम्स आपस में जो इंट्रैक्शंस या फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं इनके बीच में, सो दैट इज़ द वैन डेर वाल फोर्सेस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एटम्स। नाउ मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसे, लेट सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, सेकेंड मॉलिक्यूल भी हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, बट देर आर इंट्रैक्शंस बिटवीन दैम, सो दोज इंट्रैक्शंस आर ऑल्सो नोन एज अ वैन डेर वाल फोर्सेस, राइट। सो वैन डेर वाल फोर्सेस क्विकली वैनिशेज एट द लॉन्गर डिस्टेंसेज बिटवीन द इंट्रैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्सेज वीक होती जाएगी। नाउ यूजुअली जनरली द वैन डेर वाल फोर्सेज आर डिस्क्राइब्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फोर्सेज। फर्स्ट वन इज द लंडन फोर्सेज, डिबाई फोर्सेज एंड किसोम फोर्सेज। तीनों का क्या मतलब है वो समझिए। जहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल्स के बीच में इंट्रैक्शन है, तो दैट इज द लंडन फोर्सेज। इंड्यूस्ड डाइपोल कैसे, लेट सपोज आपके पास नियोन का एक एटम है और ये पोलराइज हो जाता है, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव। नाउ दैट इज द इंड्यूस्ड डाइपोल, एग्जिस्ट नहीं करता बट ये है ड्यू टू इंट्रैक्शंस और कोलिजन्स, दैट इज द इंडक्शन ऑफ चार्जेस, चार्ज सेपरेशन हो गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस है, दे आर द लंडन फोर्सेस। नाउ सेकेंडली बात कर रहे हैं डिबाई फोर्सेस क्या है, जो परमानेंट डाइपोल है और इंड्यूस्ड डाइपोल। लेट सपोज आपके पास HCl गैस है और साथ ही में एक आपके पास हीलियम का एटम है, हीलियम, राइट। सो दैट इज द इंट्रैक्शंस बिटवीन देम, राइट। नेक्स्ट इज द परमानेंट डाइपोल्स, यानी कि एक HCl आ गया और सेकंड मॉलिक्यूल भी आपका HCl है, तो इनके बीच में जो प्लस माइनस की फोर्सेस है, दे आर द किसोम फोर्सेस। तो आप देख सकते हो इन तीनों ही फोर्सेस को हम कलेक्टिवली कह देते हैं वैन डेर वाल फोर्सेस, राइट। नाउ देयर आर फ्यू नोटेबल पॉइंट्स, दे आर वीक इन गैसेस। सो गैसेस में वैन डेर वाल अट्रैक्शंस आर वेरी वीक, व्हाइल दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड। रीजन क्या है, रीजन इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। इन द सॉलिड दिस डिस्टेंस इज लेस, सो दैट्स व्हाई इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, व्हाइल इन द केस ऑफ गैसेस द डिस्टेंस इज मोर, दैट्स व्हाई इंट्रैक्शंस आर वीक, क्लियर है। नाउ सेकंड पॉइंट, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल मोर वुड बी द इंट्रैक्शंस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा मॉलिक्यूल का, उतने ही ज़्यादा चांस है आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शंस हो, देयरफॉर स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल फोर्सेस वुड बी रिजल्टेड, राइट। ये हम डिस्कस किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जहाँ पे ये कंसेप्ट आपका बार बार यूज होएगा, इसलिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अब कुछ एग्जाम्पल है, लेट सपोज आपके पास ये मोल्स हैं प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। इनके यदि स्ट्रक्चर बनाएं तो दैट इज द प्रोपेन, फोर कार्बन एटम का ब्यूटेन, फाइव कार्बन एटम का पेंटेन एंड सिक्स कार्बन एटम का हेक्सेन।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जैसे आप हेक्सेन की तरफ जा रहे हैं द सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। ये आपके 6 कार्बन एटम की लॉन्ग चेन है, यहाँ केवल 3 कार्बन एटम्स की चेन है दोनों चेन, बट ये कम कार्बन की है वो ज़्यादा कार्बन की। सो दैट्स वाई सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, हेक्सेन का। दैट इज़ द रीज़न वाई द बॉइलिंग पॉइंट इज इन दिस ऑर्डर। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतनी ही स्ट्रोंग आपके पास फोर्सेस रहेंगी, वैन डर वाल फोर्सेस। और एक बेसिक सी बात है, जितनी स्ट्रोंग आपकी वैन डर वाल फोर्सेस है तो इसका मतलब हमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन है वो कम हो जाए। लेट सपोज दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में स्ट्रोंग फोर्सेस हैं, तो यदि हमें ज़्यादा एनर्जी इनको देनी पड़ेगी सिस्टम को ताकि ये ब्रेक हो जाए, राइट। सो दैट्स वाई प्रोपेन का बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी कम है, देन 273 बढ़ गया 309 और लास्ट में 342 केल्विन, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस होमोलोगस चेन। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके पास, दैट इज़ अबाउट द ब्रांचिंग। आपने आइसोमर्स का नाम सुना होगा, पेंटेन के आपके 3 आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर दी हुई है आपको समझाने के लिए। ये देखिए, ये है पेंटेन, ये है आइसोपेंटेन, जहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, राइट। एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हो गए एक ही कार्बन पे, 3 भी क्या ऑटोमेटिकली 4 हो गए, राइट। तो अब यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ रहा है, देखिए कार्बन कंटेंट यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, यहाँ भी 5 कार्बन है, सो देट इज़ नो इम्पैक्ट ऑफ कार्बन कंटेंट एट ऑल। यहाँ पे तो ये फ़र्क तो नहीं है, बट फिर फ़र्क क्या रहा, फ़र्क आ रहा है आपका सरफेस एरिया का। आपने जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल को देखेंगे, दैट इज़ द लॉन्ग चेन, जैसे ही आपकी ब्रांचिंग शुरू हुई आपका स्फेरिकल शेप लेना शुरू कर गया मॉलिक्यूल, राइट। और मैथमेटिक्स में जितने भी आपके 3D स्ट्रक्चर्स हैं उनमें सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है, स्फेयर का, राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं द सरफेस एरिया इज डिक्रीजिंग। सरफेस एरिया कम हो रहा है तो वैन डर वाल फोर्सेस भी कम हुई। अब वैन डर वाल फोर्सेस यदि कम है तो इसका मतलब क्या है कि हमें कम एनर्जी में भी आप मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर सकते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट इनका घट गया 309, 301 और लास्ट में 282, राइट। और ये दोनों ही एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स में, KU के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्या है, सपोज कीजिए देयर इज़ अ सिनेरियो, एक मॉलिक्यूल एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों के बीच में वैन डर वाल फोर्सेस है। हम इनके बीच का डिस्टेंस ना कम करना शुरू कर देते हैं, इनको पास लाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे की तरफ, तो क्या होगा, एक बार तो टच करेंगे ये आपस में, फिर उसके बाद यदि और हम कम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है ना, ये रिपल्सिव फोर्सेस बन जाएंगी, राइट। उस पॉइंट को हम कहते हैं वैन डर वाल्स कॉन्टैक्ट डिस्टेंस, यानी कि इन दोनों के बीच का वैन डर वाल का डिस्टेंस कितना है, राइट। सो देयर इज़ अ पॉइंट एट विच द फोर्सेस बिकम्स रिपल्सिव रैदर दैन अट्रैक्टिव एज एटम अप्रोचेज वन अनदर, विच मे बी रिजल्टेड ड्यू टू म्यूचुअल रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, राइट। और इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए इफ द सम ऑफ वैन डर वाल रेडियस बिटवीन द टू एटम्स इज लेस दैन डिस्टेंस बिटवीन दैम, देन अट्रैक्टिव फोर्सेज वुड बी टर्नड इन टू रिपल्सिव फोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए यह आपको टेबल दी हुई है, हाइड्रोजन की वैन डर वाल रेडियस 120, राइट, ये क्लोरीन की 180, तो ये आप देख सकते हैं सारी है। अब इन एग्जांपल्स को देखो, यहाँ पे क्या है आपके पास, दीज आर साइक्लोहेक्सेन की कुछ फॉर्म है, ये कन्फर्मेशनल फॉर्म्स है, राइट। तो यहाँ पे इनके बीच का दो हाइड्रोजन्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस एक्चुअली कितना है, 183, और वैन डर वाल फोर्सेस का कितना होना चाहिए, देखिए एक हाइड्रोजन की वैन डर वाल रेडियस है 120, दूसरे की भी 120 होगी, दोनों को सम अप कर दीजिए कितना बनेगा, 240, यानी कि
240 पिकोमीटर पे ये जस्ट टच करेंगे आपस में, लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल में कितना डिस्टेंस आ रहा है, 183। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा गैप है। सो 183 जो एक्चुअल डिस्टेंस है दैट इज़ मच लेस देन 240 पिकोमीटर। वही हमने यहाँ बात कही की कि इफ़ सम ऑफ वैन डर वाल रेडियस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट, इन दैट केसेस आपके रिपल्सिव फोर्सेज होगी। तो यहाँ पे रिपल्शन है, दैट इज़ वाई द बोट फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज लेस स्टेबल, राइट, दैट इज़ द रीज़न फॉर द लेस स्टेबिलिटी। और जैसे जैसे हम हाइड्रोजन की जगह आप देख सकते हैं मिथाइल ग्रुप लगा दिया, राइट, अब यहाँ पे क्या है, सिस फॉर्म है। तो सिस फॉर्म में यहाँ पे ही अनस्टेबिलिटी थी, आपने दो मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो ये और भी ज़्यादा अनस्टेबल सिचुएशन है। बट ट्रांस के केस में क्या है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, एक मिथाइल यहाँ है तो इससे अपोजिट सेकेंड मिथाइल यहाँ है तो डिस्टेंस बढ़ गया। अब केवल इस मिथाइल को किससे क्लैश करना है, हाइड्रोजन से। सो दैट्स वाई ट्रांस फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस फॉर्म ऑफ द साइक्लो डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, राइट। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, दैट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तीन इफेक्ट हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका फिलहाल है क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को आप समझ सकते हैं, दैट इज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वर्ड है, ध्यान रखना, डिफरेंस होता है डिस्प्लेसमेंट और आपका मूवमेंट में। ये लगा दीजिए कंजुगेशन में आपने डिलोकलाइजेशन बॉन्ड पढ़ा था, राइट। सो डिलोकलाइजेशन में पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को छोड़ के दूसरे में आ जाते थे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, लेट सपोज देयर आर टू एटम्स ए बी, राइट, इनके बीच में ये बॉन्ड है और ये आपके पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। दो इलेक्ट्रॉन से मिलके एक बॉन्ड बनता है ना, तो ये दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये यदि अपनी पोजीशन से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, राइट, इस तरफ या इस तरफ कहीं भी पोजीशन चेंज कर दे, मेन पोजीशन, तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। सो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट अलोंग द सैचुरेटेड चेन ऑफ एटम्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इन इट, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह से यदि आपके सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लग जाएं, डिस्प्लेस हो जाए अपनी मेन पोजीशन से, सो उस केस को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ देर आर टू टाइप्स, राइट, माइनस आई प्लस आई, क्या होता है वो हम इससे समझते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास, लेट सपोज दिस इज द बॉन्ड सी जी बॉन्ड, सी इज द कार्बन एंड जी इज एनी अदर ग्रुप। इफ़ दिस जी ग्रुप इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, राइट, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि ये जो जी ग्रुप है ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके बिल्कुल मेन पोजीशन पे थे वो कहाँ शिफ्ट होंगे, टुवर्ड दिस, राइट। तो ऐसे इफेक्ट को हम कहेंगे माइनस इफेक्ट, यानी कि जो ग्रुप है वो अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। इसके एग्जांपल आपके पास सामने है, CCl हो गया, CO बॉन्ड हो गया, CN बॉन्ड हो गए, राइट। सो ऑल ऑफ देम शोज माइनस आई इफेक्ट। सिमिलरली प्लस आई क्या होगा, ओपोजिट, यदि आपके जी की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इससे कम हो जाए, कार्बन की यानी ज़्यादा है, जब जी की ज़्यादा थी तो माइनस आई इफेक्ट, जी के ओपोजिट है, यदि कार्बन की ज़्यादा है तो उस केस में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव करेंगे, राइट, या फिर हम कह सकते हैं जी अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन को, ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट है। एग्जांपल क्या है, ये देखिए कार्बन लिथियम है, आपके पास CO नेगेटिव है, CR है, ऑल ऑफ देम शोज प्लस आई इफेक्ट। क्यों, क्योंकि ये अपनी डेंसिटी को किसको डोनेट कर रहे हैं, कार्बन को, क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कंपेरेटिवली ज़्यादा है, राइट।
और नोटेबल पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये देखो सी ओ नेगेटिव, हालांकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बट ये ओ नेगेटिव है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन पे एक और इलेक्ट्रॉन, सो ये पहले ही फुल कैपेसिटी में है, सो दैट्स वाई इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द कार्बन, दैट इज़ वाई इट इज शोइंग प्लस आई इफेक्ट, राइट। नाउ करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की, वन बाय वन देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली डिस्प्लेसमेंट, मैंने फिर से कहा है, बार बार कह रहा हूँ, केवल डिस्प्लेसमेंट है, ये नहीं कि ऑर्बिटल को लीव करके निकल गए इलेक्ट्रॉन्स कहीं, नहीं, राइट। ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड अकर्स इन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना ज़रूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़रूरी है, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट होगी नहीं। इट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यदि सी जी है और जी ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई इफेक्ट शो होगा, आप इसको किसी तरह से प्लस आई नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट कैन नॉट। नेक्स्ट, इट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एज द डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड ग्रुप इंक्रीजेज। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आपके पास सी 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 और जी ग्रुप है ना, यहाँ पे तो इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, बट यदि हम इन दो कार्बन की बात करें, इन दो सी और जी की, अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत ही वीक हो जाएगा इफेक्ट क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। सो दैट्स वाई अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली एज द डिस्टेंस बिटवीन द कार्बन एटम एंड ग्रुप इंक्रीजेज। नेक्स्ट, इट कॉजेज स्लाइट डिस्टॉर्शन ऑफ ऑर्बिटल्स कॉजिंग द पोलराइजेशन, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये कहीं ना कहीं, लेट सपोज दिस वॉज द मोलिक्यूल ऑर्बिटल, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, ठीक है, इसको डिस्टॉर्ट कर देगा, सो दैट इज द पोलराइजेशन ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, इट कॉजेस पोलराइजेशन। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट को कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहला देखते हैं, फर्स्ट वन, दैट इज द, इट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन एंड कार्बेनायन। कैसे होएगा वो हम अगले जो पार्ट है इस चैप्टर का उसमें देखेंगे। नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन्स द पोलैरिटी ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड्स एंड डाइपोल मूवमेंट ऑफ सेवरल कंपाउंड्स। तो डाइपोल मूवमेंट को यदि समझना है या पोलैरिटी को समझना है तो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल बाय द इंडक्टिव इफेक्ट बिकॉज इट कॉजेस पोलराइजेशन, राइट। नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं, लेट सपोज डाइपोल मूवमेंट के ही आपके पास ये मॉलिक्यूल है इथेन, ये क्या है मिथाइलमीन, मिथेनॉल, मिथाइल फ्लोराइड, राइट। इन सभी में डिफरेंस क्या है, ये रेड पे जो किए हुए हैं ना मैंने, हम बात कर रहे हैं इस बॉन्ड की जो रेड में है, यानी सी सी बॉन्ड, सी एन बॉन्ड, सी ओ एंड सी एफ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 की है, 1 है और 1.5 की है, राइट। सो डाइपोल मूवमेंट किसकी ज़्यादा होनी चाहिए इनमें, इसकी, और वही आपके देख सकते हैं ये। तो ये किसके बेस पर हम डिसाइड कर पाए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। अनदर डाइपोल मूवमेंट का फैक्टर क्या है कि डाइपोल मूवमेंट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द ओरिएंटेशन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तो है ही कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होगी, बट दैट इज द फैक्टर ऑफ ओरिएंटेशन ऑल्सो। कैसे, ये देखिए, देयर आर थ्री मॉलिक्यूल्स, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ओके। इन द केस ऑफ ऑर्थो, क्लोरीन अपनी विड्रॉ कर रहा है डेंसिटी, ये भी विड्रॉ कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तीनों में सेम है, बट डाइपोल मूवमेंट इसकी देख सकते हैं 2.5 है, बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं मेटा, अब एंगल क्या हो गया 120 डिग्री, यानी कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ये क्लोरीन इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, राइट। सो दैट्स वाई डाइपोल मूवमेंट हैज़ बीन डिक्रीज। नेक्स्ट क्या है पैरा, इसमें बिल्कुल अपोजिट है, जितनी डायरेक्शन, जितनी शिद्दत से ये खींच रहा है उतनी शिद्दत से ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, सो दैट्स वाई डाइपोल मूवमेंट जीरो है।
Now these are the factors upon which dipole moment is dependent. Next take the application, that is the relative strength of carboxylic acids. इसके अंदर क्या है, देखिए this is the basic equation. RCOH है, water में dissolve हुआ. This is the carboxylate ion and hydronium ion. Right. So RCOH ने एक hydrogen donate किया, so that's why it is a acid. Now dissociation constant या acidity constant कैसे निकाला जाएगा? In this way. इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपको बताया गया था कि जो ये रेट कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो किसके इक्वल होएगा? द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, इसकी कंसंट्रेशन इसकी, दोनों को गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड कर दो इसकी कंसंट्रेशन से. और H2O बीइंग अ कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर देते हैं K से, सो उसको इग्नोर कर देते हैं. तो Ka किसके इक्वल हो गया? दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस डिवाइड बाई RCOH. नाउ दैट इज द एसिडिटी कॉन्स्टेंट या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट. इसी को ही पी के ए वैल्यू में लेंगे तो ये वैल्यू आती है. ठीक है, नाउ दीज टू इक्वेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. क्यों? क्योंकि आप देखिए जितनी ज़्यादा RCO नेगेटिव जो आपका न्यूमरेटर में है, जितना ज़्यादा ये होगा उतनी ज़्यादा के ए वैल्यू रहेगी. और जितना ज़्यादा के ए वैल्यू, इसका मतलब मोर एसिडिक इज द एसिड, राइट. साथ ही ये भी देखिए के ए और पी के ए में आपका इनवर्स रिलेशन है, डायरेक्ट नहीं है, इनवर्स है. यदि के ए ज़्यादा है तो पी के ए कम होएगा. क्यों? क्योंकि आगे माइनस लग गया. क्लियर है? एग्जाम्पल मैं अक्सर देता हूँ वो क्या, लेट सपोज के ए वैल्यू एक केस में 3 है, एक में 5 है. ठीक है, तो इस केस में देखें के ए वैल्यू बढ़ गई है, बट यदि इसका माइनस देखें, ये -3 आया, ये -5 आ गया. अब इनमें से कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस है दिस वन, यानी कि पी के ए वैल्यू घट गई है. दैट्स वाई वी आर सेइंग दिस इज़ द जनरल रूल, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की उतनी ही ज़्यादा वैल्यू रहेगी के ए की और उतनी ही कम वैल्यू रहेगी पी के ए की, राइट. नाउ व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, EDC मतलब है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप. आर ग्रुप जो है यहाँ पे RCO नेगेटिव, वो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो डेंसिटी डोनेट करेगा ऑलरेडी जो नेगेटिव चार्ज है उस पर, सो इट विल डीस्टेबलाइज द कार्बोक्सिलेट आयन. तो ये RCO नेगेटिव कम बनेगा, लेस कंसंट्रेशन रहेगी, और जब ये कम बन रहा है तो के ए की वैल्यू भी कम रहेगी, लेस वुड बी द के वे एंड मोर वुड बी द पी के. सो दैट इज़ वाई फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रोंगर देन एसिडिक. नाउ ये क्या है, वो फॉर्मिक एसिड में HCOH होता है, एसिटिक एसिड में क्या होता है CH3COOH. अब यहाँ पे CH3 है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट. सो दैट्स वाई दिस इज मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस वन. नाउ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग का देख लेते हैं केस. यदि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है तो ये आर नेगेटिव चार्ज को विड्रॉ करेगा, सो स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है कार्बोक्सिलेट आयन की. सो जितनी ज़्यादा स्टेबल होगा कार्बोक्सिलेट आयन उतने ज़्यादा आपके प्रोडक्ट बनेगा, और यदि इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई तो के ए भी बढ़ेगा, के ए वैल्यू भी बढ़ गई, और ऑपोजिट है के ए और पी के का, सो पी के वैल्यू कम हो जाएगी. नाउ इसका एग्जांपल के लिए यहाँ पे क्या है, क्लोरोएसिटिक एसिड यानी कि CH3COH. लेट सपोज दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे क्या हुआ, CH3 था, इसके एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा दिया, दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप. सो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से इसको वो स्टेबलाइज करेगा, सो दैट वुड बी मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू दिस वन, राइट. सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यही सेम कंसेप्ट हम लगाएंगे बेस पे भी. ये देखिए दैट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस, दिस इज द बेस, RNH2 वाटर आ गया, तो ये हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, सो ये बन गया
पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन में आर एन एच थ्री प्लस। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट अगेन सेम आर एन एच थ्री मल्टीप्लाइड बाई ओ एच नेगेटिव डिवाइड बाई आर एन एच टू दैट इज द बेसिसिटी कॉन्स्टेंट। और पी के बी वैल्यू क्या है ये राइट। अब यहाँ पे भी जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी रहेगी उतनी ज़्यादा के बी की वैल्यू और उतनी ही कम पी के बी की वैल्यू। द रूल इज सेम जैसा आपका एसिड में था वही सेम। अभी इसमें इफेक्ट निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन डिनोटिंग है आर ग्रुप मान लीजिए डोनेटिंग है तो ये क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। इस पर पहले प्लस चार्ज है नेगेटिव आ रहा है तो न्यूट्रलाइज कर रहा है सो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। उससे उल्टा है एसिड वाले से सो स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो यदि ये स्टेबल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे सो मोर वुड बी द कंसंट्रेशन राइट। और यदि प्रोडक्ट न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है तो के बी की वैल्यू भी बढ़ेगी सो दैट इज़ वाई दिस इज द ऑर्डर राइट। डाई मिथाइलामीन हो ये मिथाइलामीन से ज़्यादा आपका बेसिक है। नाउ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप में क्या है अपोजिट पहले ही प्लस चार्ज है ये और विड्रॉ कर रहा है तो प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है सो डिस्टेबलाइज कर रहा है। कंसंट्रेशन कम हो रहेगी तो के बी की वैल्यू भी कम रहेगी। नाउ दिस वाज द बेस एंड एसिड दैट आर डिफाइंड या डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं आज की लास्ट स्लाइड है राइट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ठीक है इलेक्ट्रो एंड मूवमेंट ठीक है। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ये केवल पाई इलेक्ट्रॉन से डील करता है ध्यान रखना। इंडक्टिव आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन से डील कर रहा था और ये केवल पाई इलेक्ट्रॉन से डील करेगा राइट। सो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द बॉन्डेड एटम इन प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। कोई रिएजेंट आया उसके अटैक की वजह से जो ये डबल बॉन्ड है यदि ये इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाए किसी एक एटम पे इन दोनों में से किसी एक पे शिफ्ट हो जाए तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो कंप्लीट मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। इंडक्टिव में क्या था डिस्प्लेसमेंट था ऑर्बिटल्स को लीव नहीं कर रहे थे बट इलेक्ट्रोमेरिक में ऑर्बिटल को लीव करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑर्बिटल को लीव कर देंगे। नाउ दे आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स माइनस ई इफेक्ट एंड प्लस ई इफेक्ट। दोनों को समझने का तरीका क्या है वो समझिए। देखिए इन द केस ऑफ माइनस ई द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम इन दोनों में से उस एटम पे जाएंगे अदर देन वन टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड। जैसे एग्जांपल के लिए ये रिएजेंट है ये साइनाइड प्रोडक्ट में देखिए किससे जुड़ रहा है कार्बन पे जुड़ा हुआ है राइट। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस पे गए हैं अदर देन दैट एटम विच इज अटैक्ड इस पे अटैक हुआ बट पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए दूसरे वाले पे तो इसको कहा जाएगा माइनस ई इफेक्ट। क्लियर है। सिमिलरली प्लस ई में क्या है हुआ उसी पे ही इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होगी। पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू दैट एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट गेट्स फाइनली अटैच्ड। एग्जांपल के लिए ये रिएजेंट था ये किस पे लगा है इस कार्बन पे इस वाले पे तो आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कहाँ शिफ्ट हुए हैं इसी कार्बन पे तभी तो यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज आया दूसरे पे राइट। सो दैट इज द प्लस ई इफेक्ट। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देर आर सेवरल केसेस वेयर समटाइम्स बोथ आई इफेक्ट एंड ई इफेक्ट दे री इन्फोर्स यानी कि एक ही डायरेक्शन में दोनों मिल के काम करते हैं ऐसा केसेस आते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दे अपोज ईच अदर वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं तो जब भी ऐसा होगा ना तो डोमिनेट कौन सा करेगा ई इफेक्ट। क्यों क्योंकि ये आपका कंप्लीट ट्रांसफर है राइट। सो इट इज़ द ऑलवेज ई इफेक्ट विच विल डोमिनेट ओवर द आई इफेक्ट ध्यान रखना इस बात का।
अब बात करते हैं डिफरेंस की, जो कि कई बार KUK में पूछा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ऑपरेटिवनेस की बात कर रहे हैं, सो इंडक्टिव कहाँ एप्लीकेबल है, इन सैचुरेटेड कंपाउंड्स जहाँ पे कम से कम एक पोलर एटम होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहाँ एप्लीकेबल है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में जहाँ पे मल्टीपल बोन्स है, डबल बोन, ट्रिपल बोन, राइट। नेक्स्ट नेचर की बात करें, इंडक्टिव आपका परमानेंट है और डिस्प्लेसमेंट है, यह आपका टेम्परेरी है और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है। डिपेंडेंसी की बात करें, नो डिपेंड अटैकिंग रिएजेंट की कोई ज़रूरत नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट में, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दिस इफेक्ट कैन नॉट ऑपरेट विदाउट प्रेजेंस ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, होना चाहिए। नेक्स्ट, दीज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लीव द मोलिकुलर ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल को लीव नहीं करते, यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ लीव कर देंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल को छोड़ देंगे। नेक्स्ट, ओनली पोलराइजेशन इज देयर, कोई आयन फॉर्मेशन नहीं होगी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बिल्कुल आयन फॉर्म होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बना है, सो आयन फॉर्मेशन इज देयर। सो दीज वर द डिफरेंसेस बिटवीन द इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या स्टडी किया है, पहले वैन डर वाल फोर्सेस देखा, उसकी एप्लीकेबिलिटी देखी, नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और लास्ट में हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो हमने नोट डाउन किया। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी डाउट क्वेरी हो, ही और शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, जिसमें हम रेजोनेंस इफेक्ट और आगे हो सकता है हाइपर कंजुगेशन भी देखें। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहिए, सेहतमंद रहिए, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।